रास्ता है वो जंग है। तो कातिलू फी सबीलिल्लाह, किताल करो, जंग करो अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे जंग करें। वला तअतदू, और किसी पर नाहक ज्यादती मत करो। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। वक्तलूहुम हैथु सकिफ्तुमूहुम, और उन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं उन्हें पाओ। वअख्रिजूहुम मिन हैथु अख्रजूकुम, और उन्हें निकालो वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। वलफितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और किसी को दीन से बिचलाना, फितना अंगेजी करना, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। फितना कहते हैं ऐसी सूरत हाल को जिसमें किसी शख्स के लिए दीन पर, इस्लाम पर कारबंद रहना मुश्किल हो जाए, वो फितने की हालत है। तो जो लोग इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो ईमान पर कारबंद रह सके, मुश्किल पैदा कर रहे हैं उनके लिए, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है अल्लाह की निगाह में। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और देखो उनसे जंग न करना मस्जिद हराम के पास, इसलिए कि वो सरजमीन हरम है, उसका एक तकद्दस है। हत्ता युकातिलूकुम फी, यहाँ तक कि वो तुमसे जंग करें। अगर वो सरजमीन हरम में तुमसे जंग पहले छेड़ दें तो फिर तुम उनसे जंग करो वहाँ। अब वो सरजमीन हरम की हुरमत उसी वक्त तक थी जब उन्होंने भी उसका ख्याल किया। अगर उन्होंने उसको बट्टा लगाया, तोड़ दिया, तो अब तुम भी उनको जवाब दोगे, और वहां पर अब ये नहीं है कि हाथ बंधे रहे कि इस सरजमीन हरम। फइन कातलूकुम, और अगर वो तुमसे जंग करें, फक्तलूहुम, तो फिर तुम भी उनको कत्ल करो। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, यही है बदला काफिरों का, नाशुकरों का। फइन इंतहौ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, ये बात वो आ गई कि ये जंग करते रहो, जंग जारी रहेगी यहां तक कि फितना और फसाद बिल्कुल खत्म हो जाए। और फितना जहां भी गैरुल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह के सिवा किसी और की हुक्मरानी है, किसी और का कानून है, किसी और का जो है निजाम चल रहा है, वो सब फितना है। और वो खत्म कब होगा? जब पूरे रूह अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब होगा उसी शान से जैसे यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद में जजीरा नुमाए अरब पर गालिब हुआ। तो इसीलिए वो घबराते हैं। हमें तो कुरान की तालीमात का अंदाजा नहीं, उन्हें अंदाजा है, उन्हें बड़ी परेशानी है। किसी तरह कुरान पर पाबंदी लगे, मदारिस में भी जो है वो कुरान को ना पढ़ाया जाए, दीनी मदारिस में भी। उनका बस चले तो वो ये जिहाद की आयात खुरच दे। वो तो उन्हें मालूम है ये जिहाद और किताल मुसलमानों के लिए ये हुक्म तो बरकरार रहेगा जब तक अल्लाह की हुक्मरानी नाफिज न हो, जब तक ये दीन हक कायम न हो। तो वो हमारे लिए सारी पेशबंदियां कर रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं। वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम वयकून अद्दीन लिल्लाह, और पूरा निज़ाम इज्तमाई, निज़ाम इताअत अल्लाह ही का हो जाए, उस वक्त तक जंग जारी रहेगी। फइन इंतहौ, तो अगर वो बाज आ जाए, फला उदवान इल्ला अल ज़ालिमीन, तो फिर ज्यादती नहीं है मगर उन्हीं पर के जो जालिम है। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, हुरमत वाला महीना बदला है हुरमत वाले महीने का। ये जरा मुश्किल सा मकाम है, लेकिन इसका जो हासिल है वो ये है, जैसे सरजमीन हरम में मुसलमान पाबंदी करेंगे हरम के हदूद में, वो खुद जंग नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर मुशरिकीन ने, दुश्मनान इस्लाम ने जंग छेड़ दी तो फिर मुसलमान भी जंग करेंगे। इसी तरीके से अशर हुरम थे अरबों में, उसका एक तसव्वुर था, चार महीने हैं हुरमत वाले, उनमें कत्ल गारत गरी और जंग बिल्कुल उनके यहाँ भी ममनू थी, मुशरिकीन भी उसकी पूरी पाबंदी करते थे। तो अगर मुशरिकीन उस हुरमत वाले महीने के एहतराम करें तो तुम भी करो, लेकिन अगर वो अशर हुरम में, हुरमत वाले महीने में जंग छेड़ दें तो फिर तुम भी जंग छेड़ोगे, जैसे कि सरजमीन हरम का मामला। ये तो बात जो है बराबर की है, अगर वो इसका आगाज करें तो तुम्हें भी रुकना नहीं है। वल हुरुमात क़िसास, और जो मुहतरम चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को मुहतरम ठहराया गया उनमें बराबरी है। फमन इर्तदा अलैकुम, तो फिर जो कोई तुम पर ज्यादती करे, फातदू अलैहि बिमिस्लि मा इर्तदा अलैकुम, तो तुम भी उन पर ज्यादती करो जैसे कि ज्यादती उन्होंने तुम्हारे साथ की है। वत्तकुल्लाह, हाँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है, उसकी ताईद, उसकी जो नुसरत है वो मुत्तकीन को हासिल है। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह,
और खर्च करो अल्लाह की राह में, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, दीन के गलबा और इकामत के लिए खर्च करना, इन्फाक करना। जहाँ दीन की नुसरत और इकामत के लिए जान लगानी है, किताल करना है, वहाँ माल भी खर्च करना होगा। वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। यानी ये तो बहुत ज़रूरी है, ये उस जंग का एक लाजमी हिस्सा है, तुम्हें खुद भी उसके अंदर शिरकत करनी है, जान पेश करनी है और साथ माल भी इसमें खर्च होगा। और अगर तुमने इन्फाक से अपना हाथ रोका तो गोया अपने आप को हलाकत में डालोगे। वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और हुस्न अमल और नेकी का मुजाहरा करो, इन्फाक करो बड़ी खुशसलूबी के साथ। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद करता है। वातिमुल हज वल उमरा तरिल्लाह, और पूरा करो हज और उमरे को अल्लाह की खातिर। यानी जब एक बार एहराम बांध लिया तो अब उसकी पाबंदी है, अब मनासी के हज या उम्रे की पूरी अदायगी तक एहराम नहीं खुलना चाहिए। फ़ैन नुहसिर तुम, और अगर तुम घिर जाओ, कहीं ऐसी सूरत हाल हो गई कि इंसान शदीद बीमार हो गया, अब नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, रास्ते में बीमार हो गया, एहराम बांध के चला था, या आधे मनासिक अदा किए हैं आधे रह गए, और या फिर यह कि दुश्मन का इलाका है और उसने घेर लिया है और आप निकल नहीं सकते, जान का अंदेशा है, इस सूरत में क्या होगा? फमस्तई सरम मिनल हदी, तो पेश कर दो जो कुछ भी मुयस्सर हो कुर्बानी में से, और उसका तरीका क्या होगा? वला तहलिकु रुसकुम, और अपने सरों को मत मुंडवाओ, हत्ता यब्लुगल हदी महिल्ला, यहां तक कि वो हदी जो है तोहफा है, वो जो जानवर है हदी का, कुर्बानी का, वो अपने मकाम तक पहुंच जाए। यानी अगर किसी वजह से दरमियान में रुक गए हो तो फिर किसी जरिए से वहां पर कुर्बानी के लिए जानवर एक भिजवाओ किसी और के हाथ, और जब तुम्हें अंदाजा हो जाए कि अब वो वहां पहुंच गया और अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, तो फिर उसके बाद अपने सरों को मूंड कर फिर एहराम खोल सकते। फमन खान मिनकुम मरीज़न, तो जो कोई तुम में से मरीज हो, अव आलास अव भी अदम में रासी ही, या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से वो हल्क ना करवा सके, मुंडवा ना सके अपने सर को, फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन नौ सदक़तिन नौ नुसुक, तो फिर उसे फ़िदिया देना होगा रोज़े की शक्ल में, या सदका व खैरात की शक्ल में, या फिर कुर्बानी की सूरत में, क्योंकि एहराम खोलने से पहले वो हल्क या कसर ज़रूरी है। अगर कोई शख्स वो किसी वजह से ना करवा सके तो फिर क्या बहराम उसका बदा ही रहेगा, उसके लिए एक रास्ता निकाला है, और वो ये है कि वो या तो रोज़े रखे, तीन रोज़े रखे, या फिर छः मोहताजों को खाना खिलाए, या फिर एक बकरा या दुम्बा जो है वो कुर्बानी हदिया करे, वो पेश करे, ये दमे जिनायत कहलाता है, तो उसके बाद जो है वो फिर अपना वो एहराम खोल सकता है। फैज़ा अमिन तुम, और जब तुम हालत अमन में हो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फमन तमत्ता बिल उम्रति इला हज, तो जो कोई फ़ायदा उठाए और उम्रे को मिलाकर साथ ही हज के साथ उम्रा भी अदा कर ले, जिसके लिए जो इस्तलाह है हमारे दीन की वो हज तमत्तो है। एक ही सफ़र में पहले इंसान जो है वो उम्रा करता है, फिर एहराम खोल देता है, और फिर हज के लिए दोबारा एहराम बांधता है, और फिर इस तरीके से एक सफ़र में हज भी हो गया, उमरा भी हो गया। तो फरमाया कि जो कोई तुम में से ऐसा करे, तो फमस्त इसरा मिनल हदी, तो वो जो पेश करे जो भी मुयस्सर हो कुर्बानी में से, यानी फिर वो एक बकरा या दुम्बा जो है वो कुर्बान करे अल्लाह के रास्ते में, ये उसका तशक्कुर है, ये दम शुक्र भी अहनाफ इसे कहते हैं, कि चूँकि एक ही सफ़र में अल्लाह ताला ने दोनों शहादतें अता फरमा दी हैं कि उसको शुक्र के तौर पर अल्लाह के नज़र किया जाए कुर्बानी। फमन लम यजिद फसियाम सलासत अय्याम फिल हज, और जिसको ये मुयस्सर ना हो, जो न पाए कोई ऐसा जानवर के वो कुर्बान कर सके या पैसे ना हो, तो फिर तीन रोज़े तो वो रखे अय्याम हज में, वसब आतिन इज़ा रजातुम, और फिर सात रोज़े वापस लौट कर अपने घर पहुँच कर, तिल्क अशरतुन कामिला, ये दस पूरे हुए रोज़े, ये है हज तमत्तो तो किया है लेकिन उसके बाद जो है वो कुर्बानी नहीं दे सका, तो फिर उसके लिए ये रोज़े हैं। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, और ये सब अहकामात उसके लिए हैं कि जो जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना हो, जिसका घर बार जो है वो दूर हो, वो सफ़र करके आ रहा है।
वही हज्ज करान करेगा, वही हज्ज तवक्को करेगा।